देश का युवा वहां हर एक स्तर पर कार्य करता हुआ दिखाई देता है, हर एक जगह देखने को मिलता है। और मुझे लगता है कि अगर सरकारों ने, पिछली सरकारों ने अगर सोचा होता तो नौजवान देश और दुनिया के अंदर जगह जगह में रह करके अपने क्षेत्र में अपनी प्रतिभा अपनी ऊर्जा का लाभ यहां के विकास के लिए दे पाता। लेकिन देश सही दुरुस्त होने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाए हैं और इसके परिणाम भी आज प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भैया बहनों, ये इंफ्रास्ट्रक्चर इसी बात को लेकर के हम विकसित कर रहे हैं, ये बुनियादी सुविधाएं इन्हीं बातों को लेकर जो उपलब्ध कराया जा रहा है। और डबल इंजन सरकार इसीलिए लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को देने के लिए इसी भाव के साथ कार्य कर रही है। आज जब इतनी परियोजनाओं का लाभ यहां पर उपलब्ध करवाया जा रहा है, मैं आप सबका भी आह्वान करूंगा, हम सब भी मिलकर के विकास और निवेश में अपना योगदान दे सकते हैं। हम एक नई योजना लेके आ रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में भी और नगरीय क्षेत्र में भी, मातृभूमि योजना। इस योजना में कोई व्यक्ति अपने पूर्वज के नाम पर अगर कोई गांव में सामुदायिक भवन बना घर या कोई अन्य योजना का कार्य प्रारंभ करना चाहता है, कोई सड़क के निर्माण में योगदान देना चाहता है, आधा पैसा वह देगा, आधा पैसा सरकार देगी और उनके पूर्वज का नाम से एक पट वहां लगाने का काम कर देगी। पूर्वज को भी आपकी कृतज्ञता होगी, साथ साथ विकास का कार्य भी होगा। पूरा गांव आपके पूर्वज के नाम पर विकास की एक परियोजना के साथ है, लोक कल्याणकारी किसी परियोजना के साथ जुड़ेगा। आप भी अपने क्षेत्र से